जी के निर्देश पर आओ राकेश भाई आओ महेंद्र जी आओ बहुत संतुलित जिन लोगों ने पिछले कार्यकाल में काम किया है उनके काम के आधार पर ये बहुत ही विचार विमर्श के बाद जो कार्यकारिणी घोषित की है इसमें मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ सबको पत्रकार बंधुओं को कॉपी पहुँचा दी जाएगी। श्री सुधीर भाटी जी अध्यक्ष, सुंदर नागर जी उपाध्यक्ष, 6 उपाध्यक्ष होते हैं हमारी पार्टी में, श्री अंकुर शर्मा एडवोकेट उपाध्यक्ष सूरजपुर, श्री मेहंदी हसन घोड़ी उपाध्यक्ष, श्री अमित रोनी रोनीगांव उपाध्यक्ष और औरंगजय बलीजी जीवन गौतम चंद्रगढ़ उपाध्यक्ष, अवनीश भाटी मिश्रक उपाध्यक्ष। महासचिव तीसरी बार रिपीट हुए इसके लिए विशेष आपको बधाई। भाई सुधीर तोमर जी बहुत कर्मठ पार्टी के नेता हैं, बहुत मेहनती। भाई मिंटी खारी जी कोषाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। इसके अलावा फिर सचिव, सचिव पद पर श्री विकास मनोता, श्री ज्योति सिंह कोट, श्री विजय नारायण सैनी, श्री सुमित पंडित एडवोकेट छपरौला, श्री सत्येंद्र नागर बागपुर सचिव जो सचिव हैं, श्री सुरेंद्र भाटी बी अकबरपुर, श्री गजेंद्र रावल घोड़ी, श्री विक्रम टाइगर एडवोकेट सफीपुर, श्री नीरज भाटी एडवोकेट लोहारली, श्री हरीश छोकर दयानंदपुर गौतमबुद्ध नगर, श्री संजीव नागर मिलकलच्छी, श्री लखन जाटव फसराना और श्री आजाद नागर बम्बावट, वकील सिद्दीकी सूरजपुर, यशपाल भाटी धनको ये सचिव हैं। इसके अलावा जो कार्यकारिणी में सदस्य नामित किए गए हैं, श्री यशपाल भाटी धनकौर, रोहित गौतम प्यावली, मुकेश त्यागी छपरौला, गीता भाटी बड़पुरा, रामनरेश चौधरी भवोकरा, प्रेमपाल रावल घोड़ी, खुर्शीद अहमद जारचा, देवेंद्र नेताजी भट्टा, बालेश्वर वाल्मीकि बदौली, लक्ष्मण शाहजी खटाना, सुदेश भाटी सौराजपुर, मुकेश चौहान सालेपुर, सतप्रकाश नागर दादोपुर, सुनील प्रजापति उपरालसी, प्रबोध कुमार जाटव दादरी, योगेंद्र देसाई कुरसैदपुरा, पूजा वाल्मीकि सिलारपुर, पवन जोगी ब्रांडी, सुमित कुमार भारती दादरी, गौरव यादव छपरौला, कादिर खान जेवर, मंजू अली खटाना, राहुल शर्मा नवादा, दलमीरा खान दौला, शिव कुमार बघेल सापोता, साकिर सैफी कलौदा, शादाब सलमानी जहांगीर। ये पूरी कार्यकारिणी है। एक लोकसभा अध्यक्ष श्री रोहित मत्ते गुजर जो मीडिया प्रभारी थे, और जेवर विधानसभा के ठाकुर राजेश रोही जो पहले भी विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं, धनकौर के नितिन नागर, महिला सभा में प्रदेश सचिव मनोज के गए उसके लिए आपको धन्यवाद कर रहे हैं। साथियों जिला का गठन सभी जाति बिरादरी और भौगोलिक स्थिति को देखकर एक समन्वय बनाने की कोशिश की है और उन लोगों को यहाँ मौका दिया गया है जिन्होंने पीछे क्योंकि पिछले 3 महीने से जो कार्यकारिणी का गठन नहीं हुआ था तो केवल उन्हीं लोगों को वरीयता दी गई है जिन्होंने फील्ड में रहकर काम किया है। ऐसा नहीं है कि जिन लोगों को क्योंकि 51 सदस्य टीम बनी है इसमें कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने काम किया है पर कुछ नंबरों से वरीयता कम रह गई है, आगे वरीयता ध्यान दिया जाएगा। और कोई प्रत्याशी नहीं निकाल पाया, जितना भी इधर से दबाव डाला गया जो भी लगाया गया, मेरी जो डीएम साहब से बात हुई जो भाई उनका कहना किसी भी प्रकार का आपके तरफ से कोई विरोध दर्ज नहीं कराया, तो आपको कम से कम विरोध प्रदर्शन कराना है। उसकी पत्रकार बंधु उस सभी की हमारे पास रिटिन में कॉपी है जो हमने शिकायत की थी, हमारे जो साथी हैं जिनको परेशान किया गया था हम कमिश्नर साहब के पास मिलने भी गए थे उनके लिए कि हमारे एक साथी को परेशान किया जा रहा है, पिछली बार से वो चुनाव लड़ते आए हैं और इस बार हमारे प्रत्याशी थे उन पर ये कहकर
दबाव बनाया गया कि अगर प्रत्याशी आप बनोगे, चुनाव लड़ोगे, तो आप पर विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज हो जाएगा। ये आपको मैं कॉपी दे दूंगा, हमने लिखित में जो है उन कमिश्नर जी के यहाँ भी और डीसीपी के यहाँ भी हमने शिकायत दे रखी है। निर्वाचन में और राज्य निर्वाचन में और केंद्र निर्वाचन में हम दोनों जगह शिकायत कर चुके, उसकी कॉपी दे देंगे। हम आपको कॉपी दे देंगे, उसके लिए माफी चाहते हैं। बाकी समय जो छोटी प्रेस नोट बाकी है अभी आप सब लोगों को यहाँ तक की खबरें आई थी कि अंदर से कहीं ना कहीं कुछ नेताओं का गठबंधन है सपा का और भाजपा के कुछ नेताओं का। कभी भी समझौता और गठबंधन पार्टी का नहीं, किसी का नहीं हो सकता। कुछ नेताओं का भाजपा के रोपरा के नेताओं से और जिले के सपा के नेताओं नहीं, ऐसी कोई जानकारी नहीं है। ना तो समाजवादी पार्टी का एक भी कार्यकर्ता और नेता किसी भी बीजेपी के नेता के संपर्क में, ना कोई समझौता है। उसके लिए ही कार्य समिति भी गठन हुआ है और 2024 चुनाव के लिए गठन हुआ है। आज से ही समाजवादी पार्टी 2024 को टारगेट करके चुनाव मैदान में उतरेगी। समाजवादी पार्टी 2024 में अकेले चुनाव लड़ने जा रही है या किसी सहयोगी के साथ जाएगी? अभी फिलहाल की स्थिति समाजवादी पार्टी फिलहाल में अकेले ही है, लेकिन परिस्थिति क्या बनती है वो राष्ट्रीय नेतृत्व पर निर्भर करता है। और उन कारणों के निवारण के लिए आप क्या कर रहे हैं? ये काफ़ी हद तक आप ये नहीं कह सकते कि दुर्भाग्यपूर्ण रहा है। पिछली बार जो समाजवादी पार्टी दादरी में चुनाव लड़ी थी, हमें 1660 वोट मिली थी, इस बार 16480 वोट मिली है, तो ये आपको कमजोर कड़ी नहीं कह सकते। देखो क्या मानते हैं आप?